सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन फाइनाइट एपी। हमको नंबर ऑफ टर्म ढूंढने हैं सर जी, तो 25 में हमको बोला हुआ एन हमको ढूंढना है। फर्स्ट टर्म हमको 6 दिया हुआ है, डिफरेंस मेरा फर्स्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होगा, दैट इज 0.5 बट माइनस में। ओके एन ढूंढना है। ओके हमको ए एन दे दिया हुआ है, ए एन कितना दिया हुआ है माइनस 12। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सर ये माइनस 12 हो गया, ए मेरा 6 हो गया, एन तो हमको ढूंढना है, डिफरेंस मेरा माइनस 0.5 हो गया। इस तरफ जाएगा माइनस 12 माइनस 6 एन माइनस 1 इंटू माइनस में 0.5 आएगा, तो ये कितना होगा, ये माइनस 18 होगा और एन माइनस 1 और ये 0.5 माइनस में डिवाइड जाएगा। ठीक है, तो ये 18 और 5 और ये 10 ऊपर चला गया, एन माइनस 1 हो गया। 5 वन ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 कैरी, 5 6 ज़ा 30, तो 36, तो एन इक्वल टू 36, माइनस 1 इस तरफ गया तो प्लस 1, तो एन की वैल्यू आ गई 37। यस मजा आ गया करने में सम्स को, गलत नहीं समझना कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 25, विच टर्म ऑफ एन एपी जिसमें पहला टर्म नेगेटिव होगा, कौन सा ऐसा टर्म होगा, विच टर्म ऑफ एन एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, एंड ढूंढना है जो नेगेटिव होगा। इस टाइप के सम्स को अप्रोच करने के लिए जनरली मैं क्या करता हूं, मैं यही करता हूं कि मान लेते हैं ए एन इक्वल टू 0 आएगा, नहीं आएगा तो आसपास का नंबर आएगा। मानते हैं कि ऐसा करते 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 देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग होते होते कहीं ना कहीं फर्स्ट टर्म 0 आ सकता है, उसके बाद का एग्जैक्ट नंबर क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, चांसेस है, तो ले लेते हैं गेम। तो a इक्वल टू 83 दे दिया हुआ है, डिफरेंस हमको देखना है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 77 माइनस 83 सर जी माइनस 6 हो गया। ठीक है, हमको सब कुछ पता है, अब हमको n ढूंढना है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन की वैल्यू ले ली 0, ये 83, एन माइनस 1, डिफरेंस मेरा माइनस 6 का है, ये इधर गया तो माइनस 83 एन माइनस 1 इंटू माइनस 6, तो माइनस 83 डिवाइडेड बाय माइनस 6 कितना आ गया मेरा, एन माइनस 1 आ गया, माइनस माइनस हटा दो तो 6 वन जा 6, 6 वन जा 6 हो गया, कितना बचा, कितना बचा 23। सर 23 तो नहीं होता, मैंने क्या बोला नहीं होगा, कोई मैटर नहीं है, जाने दो, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18 समवेयर हो रहा है, क्या हो रहा है 18 समवेयर, और ये तो अप्रोक्सीमेट 13 आ रहा है अपना, अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है 13, ओके 13 प्लस 1 कितना, अप्रोक्सीमेटली 14th टर्म आ रहा है, तो हम चेक करते हैं, ओके फॉर n इक्वल टू 15 के लिए चेक करते, हो सकता है, तो a 15 कितना हो जाएगा, a प्लस 15 डी, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू सर जी 83 है, 15 d की वैल्यू कितनी है, वो है सर माइनस 3 है, तो 83 कितना हो जाता है, ये 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 1 जा 6 कितना हो गया, ये माइनस 90 हुई, कितनी हुई माइनस 90, दैट इज माइनस 7 आ रहा है, क्या आ रहा है माइनस 7 आ रहा है। डिफरेंस हम देखें इसके अंदर तो कितना डिफरेंस आ सकता है, अगर मैं प्लस 6 करता उल्टा जाता हूँ तो फर्स्ट टर्म जो नेगेटिव आएगा वो 14th टर्म होगा, फर्स्ट टर्म जो नेगेटिव आएगा वो कौन सा होगा 14th टर्म होगा। वाला क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 512, फाइंड इट्स साइड, क्यूब का वॉल्यूम पूछा है, तो सर वॉल्यूम जो होगा वो हमको दिया हुआ है 512, किसी का क्यूब का, क्यूब का वॉल्यूम तो होता है साइड क्यूब, और ये 512 512 है सर जी, किसका स्क्वायर क्यूब रूट होगा ये, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 512, निकाल लो भैया नहीं आता तो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 32 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 raised to 9 मतलब 2 raised to 3 आंसर है, दैट इज 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, 64 8 जा 512। ठीक है, सब डिटेल में करा देते हैं, तुमको बताया तुमको आता होगा, बट मेरे एंड से मैं अच्छे से कराना चाहता हूँ,
कुछ मिसिंग नहीं कराना चाहता हूं बिकॉज राहुल सर इज हियर, देन सो नो फियर ऑफ मैथ्स विल बी देयर. ओके, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल रेडियस 12 सेंटीमीटर. तो बेसिक में कितने मस्त क्वेश्चन होते हैं, तुम बेसिक वाले नसीब वाले हो भाई. ठीक है, नसीब लेके पैदा हुए हो. पाए आर स्क्वायर, पाए 22/7, रेडियस 12 और ये भी 12. पाई की वैल्यू लेने को बोली है तो 314/100 ले लेते हैं. और ये 12 दो बार, 4 3 12, 4 25. ठीक है, और मुझे अच्छा लगता अगर जीरो है तो उसको रहने देते, नहीं हटाते उसके जीरो, उसको नहीं हटाते. ठीक है, इसका जीरो नहीं हटाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट पॉइंट लगा देना ना अपने को, उसने थोड़ी बोला पाई के फॉर्म में निकालना है. ठीक है, चलो तो 22/7, अरे यार वापस क्या ले लिया, पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 314/100 और रेडियस मेरा कितना है 12 × 12, तो 12 कितना हो गया, 144 हो गया. तो 314 × 144 कर दो, 4 4 16, 4 1 4 5, 4 3 12, ये 0. वापस से वही चीज़ रिपीट करेंगे, 6 5 2 1 0 4. अब दो जीरो लगा देंगे भैया, तो ये हो गया 4, ये 1 और ये 3, तो कितना हो गया 6 11. ओके, कितना हो गया यहाँ पर, 4 + 5 9 + 1 10, 10 + 2 12, कितना हो गया यहाँ पर, 3 + 2 5 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया, अपॉन 100, 4 5 2 1 6 अपॉन 100 लगाना है सर जी, तो 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 27. If the one card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards, calculate the probability of the card is a queen. Queen होगा, queen. देखो total 52 cards होते हैं, okay? और चार pack होते हैं, 1 2 3 4. हर एक pack में एक एक queen होगी, okay? तो total queens कितनी हुई? Total queens हो गई हमारी 4. तो probability of getting a queen is 4. Total card कितने हैं? 52 है, 4 2 2 4 2 2 4 1 carry, 2 6 12, ओके 2 1 2 2 13, तो आंसर आ गया 1/13. क्लियर है 28th वाला. अब बैक कंटेन 3 red 5 black balls, कितनी रेड बॉल्स है सर, रेड बॉल्स है 3, ब्लैक बॉल्स है मेरी 5 है टोटल. अब बॉल को रेंडमली उठाना है, प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल इज ड्रॉन इज रेड. प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, हमको चाहिए क्या रेड बॉल, कितनी है रेड बॉल, 3 है. टोटल बॉल कितनी है, 3 + 5 है सर जी. ठीक है, तो कितना हो गया, 3/8 हो गया, आ गया आंसर. ठीक है, बहुत बार इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं बहुत. 29 वाला, फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल 4x²-3x-1 एंड वेरीफाई द रिलेशन. आपको ढूंढने क्या है, इसके क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स ढूंढने हैं, तो ढूंढ लेते हैं, क्या बड़ी बात है, ढूंढ लेंगे भैया. चलो 29, ओके, तो क्वाड्रेटिक दे दिया हुआ है 4x²-3x-1=0, इसको इससे मल्टीप्लाई, 4 और 4 1 4, -3 चाहिए तो -4 + 1, दौड़ेगा क्या भैया, दौड़ेगा ना, तो कितना हो गया 4x²-4x + x-1=0, 2 2 के पैर, इसमें से कॉमन निकलेगा 4x, बचेगा क्या x-1, इसमें से कॉमन 1 निकलेगा, बचेगा क्या x-1=0, दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है सर, x-1 निकल रहा है, तो बचेगा क्या, आंसर करो. तो x-1=0 और 4x + 1=0, तो x की वैल्यू हो गई 1, या फिर तो 4x = -1, तो x हो गया -1/4. इसको मान लेते सर ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया. ठीक है, इसको हमको वेरीफाई करना है रिलेशन के साथ. वेरीफाई में क्या आएगा, x²-α+β(x+α)β=0, क्या यही क्वाड्रेटिक वापस बनेगा कि नहीं, वो चेक करना है. तो x²-α+β, तो 1 - 1/4 ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 × 1/4, वो भी माइनस के अंदर. ठीक है, तो x²- ये कितना बचा,
फोर माइनस वन बाय एक्स, देखो कुछ नहीं है मतलब वन, फोर वन जा फोर, वन वन जा वन अपॉन फोर, और ये एक्स, और प्लस माइनस माइनस, वन वन जा वन, तो वन बाय फोर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बच गया सर जी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस वन बाय फोर इक्वल टू जीरो। पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय फोर, फोर से कट डालते हैं, तो यहाँ पे बचा फोर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फोर फोर कट जाएगा थ्री एक्स, और यहाँ पे वन इक्वल टू जीरो। तो आ गया आपका हैंस प्रूफ्ड, वेरीफाई भी कर दिया हमने रिलेशन को। ओके तो क्वेश्चन नंबर 33 में हमको क्या दिया हुआ है देखते हैं। इन व्हाट रेशियो डज वाई एक्सिस डिवाइड लाइन ज्वाइनिंग माइनस टू वन एंड फोर पर, तो कौन से रेशियो में वो डिवाइड करेगा बच्चा वो देखना है हमको। तो कौन से दो पॉइंट दिए हुए क्वेश्चन नंबर 33 का, क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, इन व्हाट रेशियो डज द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग माइनस टू और वन फाइव फोर फाइव, हमको माइनस टू माइनस वन तो दे दिया, फोर फाइव यहाँ दे दिया हुआ है। अगर कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस से डिवाइड हो रहा है ओके, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो वाई है, वो हमको ढूंढना है, और रेशियो मेरे को पूछा है, ठीक है। तो इसके लिए हम जनरल फॉर्मूला जो यूज करेंगे ओके, तो मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, तो सी डिवाइड्स ए बी ओके हैविंग कोऑर्डिनेट्स, उसके कोऑर्डिनेट्स कौन से थे, जीरो और वाई, कौन से कोऑर्डिनेट थे जीरो और वाई। तो जीरो वाई को अब हम डिफाइन करते हैं, जब भी रेशियो ढूंढना हो तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको सिखाया था के एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन के प्लस वन, के वाई टू प्लस वाई वन अपॉन के प्लस वन, ये वाला फॉर्म मैंने आपको सिखाया था, और उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जीरो जीरो वाला पार्ट कंपेयर कर लेना है। तो इसको मान लेते हम एक्स वन और ये वाई वन, इसको एक्स टू और ये वाई टू, तो ये हो गया मेरा जीरो वाई ओके। तो के एक्स टू की वैल्यू क्या है भैया, एक्स टू की वैल्यू क्या है सर जी, तो वो तो है फोर, प्लस एक्स वन की वैल्यू क्या है, वो है माइनस टू अपॉन के प्लस वन, ठीक है। फिर यहां पे के वाई टू प्लस वाई वन अपॉन के प्लस वन आ रहा है, ठीक है, कंपेयर कर लिया हम इसको इससे। तो सर अगर ये देखेंगे तो जीरो और एक्स कंपोनेंट कंपेयर हो जाएगा, तो ये क्या हो गया फोर इंटू के, दैट इज फोर के प्लस माइनस माइनस टू अपॉन के प्लस वन, ये क्रॉस जाएगा, तो जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, तो बचा क्या फोर के माइनस टू, ये टू इधर जाएगा, तो टू इज इक्वल टू फोर के, तो के की वैल्यू क्या हो गई टू बाय फोर, तो के इज इक्वल टू वन बाय टू हो गई बच्चा, क्लियर है आपको अच्छे से एकदम, ठीक है।